भी आपको दिखाया, दुबई से हमारे पजल्स का पैकेज आ गया है। क्लैपिंग। और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सबके लिए अलग अलग पजल्स आए हैं। और जो हमारे पजल सेंटा है, शेख पजल सेंटा, उन्होंने जो अपने पजल्स भी हमें ढेर सारे दे दिए। इट्स अ बिग सूटकेस। चले, और सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया है प्यूट्रिड पायरेट्स। आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ प्यूट्रिड, बट इट मीन्स स्टिंकी एंड स्मेली। यू हॉरिबल हिस्ट्रीज, व्हाट अ वे टू बिगिन द न्यू ईयर। एंड द पायरेट्स आर रेडी फॉर अस, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। अच्छा, वैसे मैं एक चीज और दिखा रही थी कि इसके हम पीसेस देखे ना, दे आर टू बिग फॉर अ 300 पीस पजल। यूजुअली हमें बहुत छोटे पीसेस की आदत है, एंड दीज आर शाइनी एंड ग्लॉसी पीसेस है, और हमें छोटे पीसेस की वैसे आदत है। तो इट्स गोइंग टू बी सुपर फन कि एक्चुअली अ सिंगल पीस इज ऑलरेडी टेलिंग अ स्टोरी। हमें कोई 10 पीस इकट्ठे करके नहीं करना, और इट विल बी वेरी इजी इन सॉर्टिंग। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। चले, अब हमने सॉर्टिंग स्टार्ट कर दी है। दिस इज अ सीरीज कॉल्ड हॉरिबल हिस्ट्रीज। ये एक ब्रिटिश सीरीज है जो सार्केस्टिक स्टाइल में और ह्यूमरस वे में हिस्ट्री के डार्क जो पहलू है वो बच्चों को बताता है। बट डार्क ह्यूमर अंग्रेजों में बहुत कॉमन है। मैंने एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को कहते सुना था, इंग्लिश लिटरेचर में उनका मजाक बहुत गहरा जबकि उनका गम जो है बहुत सतही होता है। हमारे यहाँ ये उल्टा है। और ये उस सीरीज के ऊपर ये पजल सीरीज और बुक सीरीज और बहुत कुछ बना है। आई हैव वन मोर पजल ऑफ द सेम सीरीज विच आई एम गोइंग टू ब्रिंग प्रीटी सून इंशाल्लाह। फन फैक्ट, पायरेट्स यानी कजाक खवातीन के कपड़े पहनकर मर्चेंट शिप्स को उनको लूट लेते थे। शिप्स लूटने का एक और तरीका यह भी था कि पायरेट्स अपना फ्लैग उतार के डिस्ट्रेस फ्लैग लगा लेते थे और पेंट, रेड पेंट लगा के लेट जाते थे और प्रिटेंड करते थे कि कोई उन्हें उन सबको मार के चला गया है। जब कोई शिप उनकी मदद करने के लिए आती थी तो टडाडा। ब्लैक बियर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल पायरेट कैप्टन्स, जिसने एक दफा शुगल में अपने ही फर्स्ट मेट के हाथ के ऊपर गोली चला दी थी। इट्स ब्लड एंड गट एंड गोर एंड अ विशियस रेन ऑफ मर्डर एंड स्लॉटर। कैप्टन ब्लैक बियर्ड ने एक दफा खजाने में ज्यादा हिस्सा लेना था तो उसने क्या किया, उसने अपने आधे बंदे मार दिए। पायरेट्स को समंदर में रॉबरी करना ही सूट करता है। एक दफा उन्होंने जमीन से रॉबरी की और ढेर सारी गाय भैंसे ले आए। क्या हुआ, इंसान तो सी से खोते ही है, गाय भैंसों का तो बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं शिपिंग और बोटिंग का। वो सारी गाय भैंसे इतनी बीमार हो गई कि कैप्टन का सारा क्रू बीमार हो गया और इतने बुरा हालात आ गए कि उन्होंने नेवी को सरेंडर किया। पायरेट्स ने, नेवी वाले आए और उन्होंने जब स्मेल देखी और बुरा हाल देखा और कहा कि इतनी स्मेल है बेशक खुद ही मर जाओ, हम आप लोगों को अरेस्ट भी नहीं कर रहे। और वो बगैर अरेस्ट किए चले गए उन्हें मरता छोड़ के।